नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में और माई पाठशाला में। आप सभी एक मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने। अब ये मुहिम आगे बढ़ी गई है तो इसे पीछे मत हटिएगा। पीछे हटने का मतलब ये नहीं कि अभी हम उस स्टेप तक नहीं पहुंचे हैं जहां तक मतलब हमारा कोई नुकसान हो। अभी भी हम एकदम सटीक तरीके से अपनी मुहिम को आगे ले जा रहे हैं। एसएससी वालों के रिजल्ट के बारे में बातचीत हो गई, बड़ा अच्छा लगा कि चलो कम से कम कुछ तो फाइनलाइज हुआ। अब बात है आरआरबी एग्जाम डेट की, तो 5 सितंबर को 11 बजे एक बड़ा ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। 11 बजे से बैठ जाएंगे और ट्वीट करना शुरू करेंगे #RRBExamDate। मैं लिख दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए और इसको सभी जगह फैला लीजिए, RRBExamDates। ये हम सभी एक ही चीज को फॉलो करेंगे। हमारा जो मकसद है वो ये नहीं है कि सस्ती पब्लिसिटी बटोरे, कोई फायदा नहीं होगा उससे। जो भी टीचर्स हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, या जो भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे आप स्टूडेंट भी वीडियो बना रहे हैं और यूट्यूब पे डाल रहे हैं, देखिए पब्लिसिटी पाने के लिए मत करो दोस्त, क्योंकि पब्लिसिटी पाने के चक्कर में आप वीडियो में इतना जहर दे रहे हो कि वो अलग साइड चला जा रहा है। कल बहुत सारे ऐसे फोन्स आए, हाँ हंसी भी आई उन फोन्स पर, हो सकता है कि किसी के सपोर्टर हो, मैं नहीं कह सकता कि ऑफिशियल फोन आए, लेकिन बट ऐसे ही फोन आए फालतू के कि क्या करोगे ये करके, क्या करोगे वो करके। तो टेंशन नहीं लेना है यार, करते रहे ना। सबसे बड़ी बात यह है कि उन सभी फोन कॉल पे या उन सभी को जवाब में दे पाया कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। आपको बोलो कि मैंने कुछ गलत कहा हो तो, मैंने नहीं कहा कि कोई सड़क पे आए भंडारा सड़क पे आए बवाल कर दे, किसी का सर फोड़ दे, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं ना चाहता हूं कि मेरा कोई स्टूडेंट सड़क पर आए, मैं कितना ही नहीं चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट सड़क तक आए। उसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं, धीरे धीरे चलते रहिए, सब्र का बांध टूटने ना दीजिए, सब्र बनाए रखिए और अपनी भाषा को संयत बनाए रखिए। क्योंकि अगर आप अपनी भाषा को संयत नहीं बनाएंगे, गाली गलौज करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे फिर पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो चीज़ मेरे हिसाब से नहीं होती फिर मैं उसमें अपना योगदान नहीं दे सकता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योगदान में बना रहूं तो अपनी भाषा को संयत बनाए रखें। आपको आवाज़ आ रही होगी डिस्टर्बेंस की, बहुत जोर बारिश हो रही है, बहुत जोर से बारिश हो रही है। चलिए फिलहाल ये मुहिम का हिस्सा, अब चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर। प्रेस टेस्ट ऑफ इंडिया का अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। आज के करंट अफेयर्स में आपको 2 और 3 सितंबर दोनों के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा ओवरबर्डन हूं मैं, इस वजह से आपका डिस्टर्बेंस चल रहा है और ये डिस्टर्बेंस अभी चलेगा एक वीक तक, लेकिन क्लासेज में करंट अफेयर्स की रेगुलर कर दूंगा, अब ये रेगुलर रहेगा। ठीक है, चलिए तो पहले करंट अफेयर्स की चलते हैं, पहली जानकारी की तरफ चलते हैं। न्यूज़ काफ़ी हैं तो जल्दी जल्दी से इसको निपटाते हैं। भारत ने अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि रूस में एक सैन्य अभ्यास होने वाला है जिसमें कई देश हिस्सा लेने वाले हैं, उसका नाम है कावकाज। पहले भारत ने इसमें जाने की सहमति जताई थी, लेकिन अब भारत इसमें नहीं जाएगा क्योंकि COVID-19 के चलते हुए इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं, व्यवस्था नहीं हो पा रही। इस वजह से आवाज़ ज़्यादा है क्या, इस वजह से आपका जो है भारत इसमें शामिल नहीं होने वाला है। तो अब भारत रूस में होने वाले कावकाज में हिस्सा नहीं लेगा। भारत ने रूस में अगले महीने होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कावकाज 2020 से अलग हटने की घोषणा की। इस अभ्यास का आयोजन 15 से 26 सितंबर 2020 तक रूस के अस्त्रखान प्रांत में किया जाना था। संघाई सहयोग संगठन की जो महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले सप्ताह रूस की यात्रा से पहले यह निर्णय लिया गया है। कावकाज 2020 सैन्य अभ्यास में SCO और मध्य एशियाई देशों के सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। इस अभ्यास में लगभग 20 देशों के भाग लेने की उम्मीद है, बट रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत और रूस नजदीकी और विशिष्ट रणनीतिक साझेदार हैं और रूस के निमंत्रण में भारत कई अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेता रहा है, लेकिन कोविड महामारी और इसके कारण अभ्यास में साजो सामान की व्यवस्था सहित कई सारी परेशानी आने की वजह से यहां पर भाग नहीं लेगा। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी मास्को, वर्तमान समय में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री दिमित्री मेदेदेव। अगली जानकारी की तरफ चलें तो अभी हाल ही में एक नई प्रजाति खोजी गई है। इतनी पुरानी गंगा और गंगा में एक नई प्रजाति की मछली मिली है जो खाने योग्य है, जो लोग खाते हैं उनके लिए खाने योग्य है। हाल ही में गंगा में ताजे पानी की एक नई मछली की पहचान की गई है। इसमें केरल और पश्चिम बंगाल के शोधकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में इसे गंगा नदी में खोजा है। ये मछली खाने योग्य है, इसका नाम है सिस्टोमस ग्रेसिलस नाम दिया गया है, क्योंकि ये पतले और संकुचित शरीर के कारण है और इस प्रकार ये साइप्रिनिडे परिवार से आती है। तो अभी हाल ही में कौन सी मछली खोजी गई है, सिस्टोमस ग्रेसिलस, कहां खोजी गई है, पश्चिम बंगाल में। अगली जानकारी है लक्षद्वीप प्रशासन ने कवरत्ती द्वीप में टाइटो अल्बा, ये एक उल्लू है, उसका वैज्ञानिक नाम है टाइटो अल्बा,
बार में उन लोगों का उपयोग कर कृंतकों के जीवन नियंत्रण के तहत चूहों को नियंत्रित करने के लिए पायलट परियोजना के रूप में किया था। तो इसमें क्या हुआ, उन्हें सफलता हासिल हुई है और देखा गया कि जो उनके कृंतक यानी चूहे जो उनकी फसल बर्बाद कर देते थे उसको रोक लग गई। एक्चुअल में ये जो उल्लू है इसको खलियान उल्लू भी कहा जाता है, भारत में व्यापक से पाया जाता है और लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में आता है, यानी कि इसके बारे में IUCN के मुताबिक, अभी इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी जो प्रजाति है वो भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इस उल्लू की खासियत होती है कि ये छछूंदर हो गया, चूहे हो गए, उनको मार के खा लेता है। तो हाल फिलहाल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लुओं को प्रयोग किया था अपने यहाँ चूहों को रोकथाम के लिए, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था टाइटो अल्वा, इन्हें बार्न उल्लू भी कहा जाता है। इससे पहले अंग्रेजों द्वारा 1875 में कृंतक नियंत्रण कार्यक्रम के लिए बिट्रा के लकड़ी के उल्लुओं का उपयोग करने का प्रयास किया गया था, बट उससे कोई सहायता नहीं मिला क्योंकि उल्लुओं को देखकर ही चूहा भाग जाता है। बारनाउल जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे व्यापक पाए जाने वाले हैं, इनके लंबे पैर होते हैं और पंखों के साथ ये मध्यम आकार के होते हैं। अगला इसको खनियाल उल्लू कहते हैं, एक होता है ठेठ उल्लू। अगली जानकारी है, ये थोड़ा सा पढ़िएगा ध्यान से, एतिकोपक्का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में विशाखापट्टनम की गुड़िया बनाने की कला एतिकोपक्का का उल्लेख किया है। अब चूंकि चर्चा की गई है तो ये करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि एतिकोपक्का का उल्लेख किया गया। मोदी जी ने कहा कि एतिकोपक्का गुड़िया का महामारी के दौर में बच्चों को रचनात्मक जगाने के लिए विशेष उपयोग किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट रखना है कि एतिकोपक्का क्या है। एतिकोपक्का गुड़िया बनाने की एक कला है और हाल फिलहाल ये संबंधित कहां से है, ये विशाखापट्टनम से संबंधित है। विशाखापट्टनम मतलब आंध्र प्रदेश से ये संबंधित है। ये खिलौने जो है वो नरम लकड़ी और लाख के रंग से बनाए जाते हैं और इन्हें बीज, लाख, जड़ों, पत्तियों में प्राप्त प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता है। 2017 में एतिकोपक्का खिलौनों को भौगोलिक संकेतक भी प्रदान किया गया था। तो यह है एतिकोपक्का, नाम विशाखापट्टनम से आया है। अगली जानकारी है CSIR द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया है। सोलर पेड़ क्या होता है, सोलर पेड़ या सौर पेड़, इसमें जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं, जो कि आपको पता है सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है और ऐसे में सूर्य क्या जाता है, मतलब हमारी पृथ्वी घूमती है। आप कहोगे सर सूर्य तो कहीं नहीं रहता, आप पृथ्वी घूम जाती है, तो आप जो भी व्हाटएवर समझो उसको कोई मतलब नहीं। हम यहाँ पर वैज्ञानिकता के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि सूर्य जब घूमता है तो उसको जो सोलर रेडिएशन है किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस करने से उसका रेडिएशन कुछ समय पे के लिए ज्यादा और कुछ समय के लिए कम हो जाता है। ऐसे में सोलर पेड़ की अवधारणा सामने आई जिसमें एक पेड़ के आकार के सोलर पैनल को अरेंज किया जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं पहले सोलर पैनल अरेंज किए गए, इससे क्या होगा जितना भी मूवमेंट होगा सूर्य का उसके हिसाब से इसको ज्यादा से ज्यादा हम रेडिएशन प्राप्त कर पाएंगे। हाल फिलहाल CSIR और CMERE द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया। इस सौर पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CMERI की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। इस सौर वृक्ष की स्वच्छ और हरित ऊर्जा 12,000 से 14,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता है, जबकि इसकी स्थापित क्षमता 11.5 किलोवाट पीक है। किलोवाट पीक यानी कि सौर ऊर्जा के मामले में हम वाट पीक की बात करते हैं। ये वो ऊर्जा होती है, ये वो आउटपुट पावर होती है जब सोलर रेडिएशन अपने पीक टाइम पर होता है, यानी कि अपनी पीक अवस्था में होता। तो हाल फिलहाल सोलर ट्री को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह सूर्य के प्रकाश के समक्ष प्रत्येक सौर PV पैनल का अधिकतम प्रदर्शन सुनिश्चित कर सके। एक सिंगल सौर वृक्ष में 3500 PV पैनल लगे हुए हैं और प्रत्येक की क्षमता 330 WP यानी कि वॉट पीक है। पेड़ की ऊर्जा उत्पादन के आंकड़ों को वास्तविक समय या दैनिक के आधार पर मॉनिटर किया जा सकता है, या पेड़ न्यूनतम शैडो एरिया को सुनिश्चित करेगा जो इसे उच्च क्षमता वाले पंप, ई ट्रैक्टर या ई पावर ट्रेलर जैसी किसी गतिविधियों में उपयोग के लिए भी उपलब्ध बनाता है। तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पहला विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़ बनाया गया। अगली जानकारी है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अभी हाल ही में 29 अगस्त के दिन मेजर ध्यानचंद जी के जन्मतिथि के दौरान खेल दिवस के दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए, अर्जुन पुरस्कार दिए गए और साथ में दिया गया राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो हाल ही में एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड AFSCB को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को यह पुरस्कार खिलाड़ियों को अपने संबंधित खेल क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने और खेल कल्याण उपायों को लागू करने के लिए दिया गया है।
कॉरपोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों में और उन व्यक्तियों को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने खेल के प्रोत्साहन और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भारतीय वायुसेना के अंतर्गत अंतर सेवा स्तर पर खेल गतिविधियों की योजना और संचालन के लिए सर्वोच्च निकाय है। तो एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को मिला है इस बार का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अगली जानकारी है, केंद्रीय उर्वरक विभाग द्वारा अभी हाल ही में 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। किस मिनिस्ट्री द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो केंद्रीय उर्वरक विभाग द्वारा 1 से लेकर 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रम और अन्य संगठन बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान में यहां पर भाग ले रहे हैं। सारा का सारा कामधाम एक साथ ठप ना हो जाए तो इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स वाले अलग अलग टाइम पर स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हैं। तो अभी कौन मना रहा है? केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय। कोविड 19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए वर्ष 2020 का स्वच्छता पखवाड़ा और भी महत्वपूर्ण हो गया है। यह पहल भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों या कार्य क्षेत्र में जो स्वच्छता है उसके मुद्दों को पारदर्शित करने के लिए या उनके मुद्दों को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन करने वाले मंत्रालयों की निगरानी स्वच्छता अभियान की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली की मदद से की जाती है और स्वच्छता पखवाड़ा जो है इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। अभी हाल ही में 1 से लेकर 15 सितंबर तक कौन मनाएगा? यह मनाएगा केंद्रीय उर्वरक विभाग। अगली जानकारी है मेडबोट। मेडबोट क्या है? नाम से ही क्लियर है, मेडिकल से संबंधित है। बिल्कुल, भारतीय रेलवे ने कोविड 19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने के लिए मेडबोट नाम का एक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। मेडबोट का संबंध किससे है? भारतीय रेलवे से है। भारतीय रेलवे के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव। तो भारतीय रेलवे कोरोना संकट के दौरान लोगों के परिवहन सुविधाएं और खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के अलावा कोविड 19 रोगियों को सुविधाएं प्रदान करने के कार्य में लगी हुई है। यह वर्तमान में भारतीय रेल के डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो मेडबोट ये किससे संबंधित है? भारतीय रेलवे से। एक बढ़िया खबर है आपके पास कि भारत के टॉप रैंक वाले पुरुष एकल खिलाड़ी सुमित नागल 7 साल बाद, कोई ऐसा खिलाड़ी पहली बार पहुंचा है जिसने यूएस ओपन में मैच जीता है। भारत के युवा पुरुष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने 1 सितंबर 2020 को शानदार जीत दर्ज करते हुए अपनी कैरियर में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में जगह बनाई है। सुमित नागल ने यूएस ओपन के पहले दौर में अमेरिका के ब्रेडली क्लैन को मात दी है। अब सुमित नागल का अगला मुकाबला डोमिनिक थेम के साथ होगा। तो भारत के टॉप रैंक वाले पुरुष खिलाड़ी सुमित नागल ने अपने कैरियर की पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम में दूसरे दौर में पहुंचे हैं। 7 साल बाद यह पहला मौका है जब किसी भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी ने यूएस ओपन में कोई मैच जीता है। तो सुमित नागल, देखते हैं अब डोमिनिक थीम से इनका सामना होगा तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है जो भी आपकी टेलीकॉम कंपनियां हैं जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया को एजीआर भुगतान के लिए 10 साल का समय दिया गया है। सन 1999 में इससे पहले स्पेक्ट्रम की जो नीलामी होती थी उसमें स्पेक्ट्रम की फीस देनी पड़ती थी, लेकिन इसके बाद जब से स्पेक्ट्रम की नीलामी होने लगी तो उसमें रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल आ गया। रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल का मतलब यह है कि जब तक कंपनियां रिवेन्यू शेयर करेंगी, जब तक कंपनियां स्पेक्ट्रम का प्रयोग करेंगी तो उनसे जो रिवेन्यू जनरेट करेंगे उसका कुछ हिस्सा उन्हें सरकार को देना पड़ता था। अभी हाल ही में जियो के आने के बाद एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू का मतलब जो कुछ भी आपके स्पेक्ट्रम और खर्चे के बाद जो कुछ बताया उसके बाद जो रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल होता है सरकार का जो हिस्सा बनता था वो ये 3 कंपनियां दे नहीं पाई और इसकी वजह से काफी समय से सरकार ने इनके ऊपर केस कर रखा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाई के बाद इन्हें 10 साल का वक्त दिया है कि आप इस रकम को चुका सकते हैं। 10% आपको अभी देना होगा, बाकी आप किस्तों में दे सकते हैं, जबकि ये कंपनियां 20 साल का समय मांग रही थी। तो टेलीकॉम कंपनियों पर कुछ 1.47 लाख करोड़ रुपए बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 साल की राहत देने की यह अवधि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक एजीआर बकाया के 10% चुकाने होंगे, वहीं बाकी का पैसा हर साल 7 फरवरी को एक किस्त के रूप में देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा जो कि 2 सितंबर को रिटायर हो गए, अपने आखिरी फैसला को सुनाते सुनाते तो उन्होंने कोविड संकट को देखते हुए यह मोहलत दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा कि वो एजीआर की रकम का भुगतान किस्तों में कर सकती है। इसके लिए कंपनियों को सभी मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन को हलफनामा देना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में अरुण मिश्रा की बेंच ने उन्हें बताया कि 10 साल का समय आपको एजीआर भुगतान के लिए दिया गया है। एजीआर के बारे में मैंने अभी आपको बताया, एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू। अगली जानकारी, रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी बीईएमएल और टाटा पावर कंपनी लिमिटेड
और लार्सन एंड टुब्रो के साथ 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट को 6 पिनाकर रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए किए गए हैं। इन 6 पिनाकर रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम के साथ 114 लॉन्चर और 45 कमांड पोस्ट है, जिन्हें टीपीसीएल और मैसर्स एलएनटी से खरीदा जाएगा और 330 वाहनों को मैसर्स बीएमएल से खरीदा जाएगा, जिसे 2024 तक 6 पिनाकर रेजिमेंट में शामिल करने की योजना रहेगी। साथ ही यह रक्षा क्षेत्र के भारत सरकार की मेक इन इंडिया की पहल को और बढ़ावा को प्रोत्साहन देगा। तो अभी हाल ही में 2580 करोड़ रुपए यानी कि 2580 करोड़ रुपए का अनुबंध हुआ है 6 पिनाका मिसाइल खरीदने का। पिनाका का बात करें तो ये एक मिसाइल सिस्टम है जो मध्यम दूरी की मिसाइल रेंज है और इसके जरिए ये सेना को और ज्यादा ताकत देगी। तो हाल फिलहाल इसको डेवलप करने के लिए BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स, टाटा पावर कंपनी और मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो के बीच में ये अनुबंध हुआ है। अगली जानकारी है बुक के बारे में। बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने जुड़वां बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर एक बुक लिखी है, द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। उनके चित्र वाली पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का प्रकाशन जजमेंट जगरनॉट बुक्स द्वारा किया जाएगा। ए बुक टाइटल द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, रिटन बाय करण जौहर। इतना ही पर्याप्त है। अगली जानकारी, ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स इंडेक्स में कुछ परिवर्तन हुआ है। रिच लिस्ट में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, एलन मस्क थोड़ा सा ऊपर पहुंच गए हैं। स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क अब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 49 वर्षीय अरबपति ने फेसबुक के सह संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ दिया है। एलन मस्क की नेटवर्थ 115.4 बिलियन डॉलर तक बढ़ी, जबकि जुकरबर्ग की नेटवर्थ 110.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः जेफ बेजोस और बिल गेट्स हैं। मुकेश अंबानी, अजीत प्रेमजी, शिवनादर, गौतम अडानी क्रमशः 8वें, 72वें, 86वें और 97वें स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी अभी तक 6वें स्थान पर मैक्सिमम रैंकिंग तक पहुंचे हैं। तो तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं एलन मस्क। अगली जानकारी है, संयुक्त अरब अमीरात हाल ही में एग्री ओटा नाम का एक नई तकनीकी आधारित कृषि जींस कारोबार और ई मार्केट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जिसे काफी सारे भारतीय किसानों को फायदा होने वाला है। इससे भारत में लाखों ग्रामीण किसानों और संयुक्त अरब अमीरात के फूड इंडस्ट्री के बीच में एक अंतर कम किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि एक वेब पोर्टल है जिसमें भारतीय किसानों के जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो आपके एग्री ओटा के जरिए सऊदी अरब अमीरात में बेचे जा सकेंगे, संयुक्त अरब अमीरात में सॉरी। दुबई के मुक्त क्षेत्र वाली दुबई मल्टी कॉमोडिटी सेंटर और जींस व्यापार तथा उद्यम पर सरकार के प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई इस पहल के तहत लाखों भारतीय किसानों को संयुक्त अरब अमीरात के पूरे फूड इंडस्ट्री से सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा। इसमें खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां, कारोबारी और थोक विक्रेता भी शामिल हैं। एग्री योटा एक ई मार्केट प्लेस के जरिए किसान बिचौलियों को दरकिनार कर पाएंगे और डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे, यानी कि बीच में उनका कोई भी बीच में जो लोग भी उनका माल खा जाते हैं, बीच में उनका जो भी ठेकेदारी हो जाती है, बीच में दलाली खा जाते हैं, तो वो सबसे बच जाएंगे। तो एग्री योटा से संबंधित है संयुक्त अरब अमीरात। अगली जानकारी है, अभी हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए जासूसी का काम करने वाली नूर इनायत खान। नूर इनायत खान भारतीय मूल की थी, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इनका संबंध टीपू सुल्तान से है। लंदन में अभी हाल ही में उनको मेमोरेंडम प्लाक दिया गया है। ब्लू प्लाक जो है लंदन का एक सम्मान है जो उन लोगों को दिया जाता है जिन लोगों ने देश के लिए काफी अच्छा काम किया है या देश के लिए अपनी जान दी है, और बहुत प्रतिष्ठित सम्मान उसको माना जाता है। फिलहाल ये एक भारतीय मूल की जासूस को मिला जिन्होंने 1940 में हिटलर के नाजी सेनाओं में जाकर वहां से जो भी उनका प्रिंट था या जो भी उनके फ्रूट प्रिंट थे, यानी कि जो भी वहां पे जासूसी के जानकारियां थी, वो उन्होंने ब्रिटेन को भेजी थी क्योंकि वो रेडियो ऑपरेटर के तौर पे बहुत उन्हें महारत हासिल थी। बाद में उनको पकड़ लिया गया और 1944 में नाजियों ने उन्हें गोली मार दी थी। लंदन में घर जहां नूर इनायत खान रहती थी, एक विशिष्ट नीली पट्टिका दी गई है। अब उनके घर के सामने एक नीली पट्टिका लगी होगी, यानी कि ये किसी VIP का घर है ऐसा लगेगा। वह टीपू सुल्तान की वंशज है और पहली महिला रेडियो ऑपरेटर थी जिसे कोड नेम मेडलिन, उनका कोड नेम मेडलिन के तहत फ्रांस में भेजा गया था। 11 सितंबर 1944 को तीन दूसरी महिला एजेंटों के साथ उन्हें नाजियों के कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जहां पर नाजियों ने उनके सिर में गोली मार दी थी। नाजियों के कब्जे में आने के बाद भी नूर इनायत खान ने कोई भी खुफिया जानकारी दुश्मनों को नहीं बताई। उनके जज्बे और मिशन के प्रति समर्पण के लिए साल 1949 में उन्हें ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े सम्मान जॉर्ज क्रॉस से भी सम्मानित किया गया था। तो भारतीय मूल की नूर इनायत खान, जिन्हें अभी हाल ही में ब्लू प्लाक दिया गया। अब बारी है आज के न्यूज पटापट की। जैसा कि हम सभी को पता है, राजीव कुमार जी हैं, उन्होंने अशोक लवासा की जगह ली है और एज ए इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो पूर्व वित्त सचिव और रिटायर्ड IAS अधिकारी राजीव कुमार ने मंगलवार को चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है।
वो पैनल में शामिल होने वाले तीसरे सदस्य हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा पैनल में मौजूद हैं। इंडियन जूनियर वुमेन्स हॉकी टीम्स इसिका चौधरी को इस बार का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य अवार्ड दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार एकलव्य अवार्ड उन खिलाड़ियों को देती है जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और इस बार ये एक हॉकी प्लेयर को मिला है, जूनियर हॉकी प्लेयर को मिला है, उनका नाम है इसिका चौधरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसिका चौधरी का संबंध किससे है, हॉकी से है, दूसरा पूछा जाए किससे है, तो वो मध्य प्रदेश से है। तो इंडियन जूनियर वीमेन्स हॉकी टीम इसिका चौधरी हैज अवार्डेड एकलव्य अवार्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला खेल पुरस्कार है एकलव्य पुरस्कार, जो किसको दिया गया है, इसिका चौधरी को। अगली जानकारी है 2 सितंबर को, अभी हाल ही में हम लोगों ने सभी ने एशिया के साथ साथ प्रशांत क्षेत्र में भी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया, यानी वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया। इस बार की थीम थी दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें। अगली जानकारी, हेमंत खत्री जो है वो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। कॉमोडोर हेमंत खत्री आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित भारत सरकार के स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। वह रियल एडमिरल LV शरद बाबू का स्थान लेंगे। इससे पहले हेमंत खत्री HSL में रणनीतिक परियोजनाओं के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। हेमंत खत्री की HSL के CMD के रूप में नियुक्ति को 27 मई 2020 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 1 सितंबर 2020 से 31 जुलाई 2025 तक उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अगले आदेश तक मंजूरी दी गई थी। तो हेमंत खत्री बिकम्स द न्यू CMD ऑफ शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। अगली जानकारी है, अवीक सरकार जो है उन्हें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है। एमिरेट्स संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस के उपाध्यक्ष अभीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह पंजाब केसरी अखबार समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। अभीक सरकार विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेने वाले हैं। अभीक सरकार भारतीय पेंगुइन बुक्स पेंगुइन इंडिया के संस्थापक प्रबंध निदेशक बिजनेस स्टैंडर्ड के संस्थापक संपादक ABB ग्रुप द्वारा 2003 में स्टार न्यूज के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही थी। तो अभी सरकार बन गए हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन। किसकी जगह ली है? विजय कुमार चोपड़ा की। अब बारी है आज के वन लाइनर की। किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास का अवकाश से खुद को वापस ले लिया है? तो भारत है। लंदन में मेमोरियल पट्टिका यानी कि ब्लू प्लाक पाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? नूर इनायत खान। और गुड़िया बनाने की कला एति कोपक्का का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है, विशाखापट्टनम से है। टाइटो अल्बा किस प्रजाति का है, मतलब किसकी प्रजाति है? उल्लू की प्रजाति है। इसको अभी हाल ही में लक्षद्वीप सरकार ने प्रयोग किया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जूनियर हॉकी टीम की इसिका चौधरी। और किसको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? वो है अवीक सरकार। हाल ही में किस नदी में ताजे पानी की एक नई मछली सिस्टोमस ग्रेसिलस की पहचान की गई है? गंगा में, पश्चिम बंगाल में यह मछली पाई गई है। एग्रीओटा ई मार्केट प्लेटफॉर्म से भारत के लाखों ग्रामीण किसानों और UAE के फूड इंडस्ट्री के बीच में अंतर को कम किया जा सकेगा, और उनका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो सीधे UAE पहुंचाया जा सकेगा। प्रणब मुखर्जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? वेस्ट बंगाल में। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। और विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को किस राज्य में विकसित किया गया है? तो वेस्ट बंगाल में, इसे दुर्गापुर में लगाया गया है। और कैलाश मानसरोवर की एक झील के पास, कैलाश मानसरोवर झील के पास चाइना जो है वो एक मिसाइल साइट डेवलप कर रहा है ताकि वहां से मिसाइल से हमला किया जा सके। किसने मंगलवार को चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वह है राजीव कुमार। और किसने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड के अध्यक्ष के और चेयरमैन के रूप में शपथ ली है या उसका पदभार ग्रहण किया है? तो वह हेमंत खत्री। 1 से 15 सितंबर 2020 तक कौन सा विभाग स्वच्छता पखवाड़ा देख रहा है या बना रहा है? तो वह डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स उर्वरक विभाग। और सप्लाई चेन रेजिलेंस के आधार पर ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के मंत्रियों के बीच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पीयूष गोयल। ये न्यूज मैंने आपको पुराना भी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान जो है वो आपस में एक सप्लाई चेन डेवलप कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए मार्क जुकरबर्ग किसको पीछे छोड़ दिया है? तो वह है एलन मस्क। और भारतीय रेलवे द्वारा COVID-19 रोगियों को भोजन और दवाइयां वितरित करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाली रोबोट डेवलप की गई है, बोट डेवलप की गई, उसका नाम क्या है? उसका ट्रॉली का नाम क्या है? उसका नाम है मेडबोट। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को लंबित AGR बकाया भुगतान करने के लिए कितने साल का समय दिया है? तो 10 साल का समय सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रदान किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कितने एकीकृत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मंजूरी दी है? तो 27 को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने सिर्फ वन लाइनर रखा।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान में किस प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है, तो भिवाड़ी में। और हाल ही में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है, तो वह है एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। भारत के सुमित नागल ने 1 सितंबर 2020 को शानदार जीत दर्ज करते हुए अपने कैरियर में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में जगह बनाई है। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है, करण जौहर द्वारा। और इस साल एशिया में सभी नारियल उगाने वाले देशों को साथ साथ प्रशांत क्षेत्र में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया, 2 सितंबर को। दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें, ये इस बार की थीम। अब बारी है आज की क्विज की। निम्नलिखित में से किस देश ने रूस में अगले महीने होने वाली काकास से अपना नाम वापस ले लिया है, जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था, तो इंडिया है। गुड़िया बनाने की गली एक कला एत्ती कोपक्का किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से संबंधित है। टाइटो एल्बा किस जीव की एक प्रजाति है, यह उल्लू की एक प्रजाति है, यह उसका वैज्ञानिक नाम है, उसका नाम बार्न आउल है। हाल ही में किस नदी में ताजे पानी की एक नई मछली सिस्टोमस ग्रेसिलस पाई गई है, तो गंगा, पश्चिम बंगाल में। लंदन में मेमोरियल पट्टिका यानी कि मेमोरेंडम प्लॉक पाने वाली महिला कौन है, उनका नाम है नूर इनायत खान। एग्रीओडा ई मार्केट प्लेटफॉर्म से भारत के लाखों ग्रामीण किसानों और यूएई के फूड बाजार के बीच में या फूड इंडस्ट्री के बीच का जो अंतर है वो कम हो जाएगा। और विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को कहां विकसित किया गया है, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। किसने मंगलवार को चुनाव आयुक्त के रूप में जगह ले ली है, तो वो है राजीव कुमार, अशोक लवासा की जगह ली है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे एकलव्य पुरस्कार दिया जा रहा है, इसिका चौधरी, हॉकी टीम, जूनियर हॉकी टीम से संबंधित है। 1 से 15 सितंबर 2020 तक कौन सा विभाग स्वच्छता पखवाड़ा बनाने जा रहा है, मना रहा है, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। और सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनी को अपने लंबे एजीआर बकाए करने के लिए कितने समय का भुगतान के लिए बोला है, तो 10 साल के भुगतान के लिए बोला है कि 10 साल में आप उसे भुगतान कर दीजिए। भारतीय रेलवे द्वारा कोविड 19 रोगियों को भोजन और दवाइयां वितरित करने के लिए किसको रिमोट से नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का नाम क्या है, जो एक ट्रॉली विकसित की गई, तो उसका नाम है मेडबोट। और किसको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है, उनका नाम है अवीक सरकार, विजय चोपड़ा की जगह लेंगे। किसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित भारत सरकार के स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है, तो उनका नाम है हेमंत खत्री। और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में दुनिया में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए मार्क जुकरबर्ग को किसने अभी अभी पीछे छोड़ा है, तो एलन मस्क, स्पेसएक्स। मुकेश अंबानी इसमें 8वें नंबर पर है। और हाल ही में एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत के सुमित नागल ने 1 सितंबर 2020 को यूएस ओपन में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में पहुंचकर जगह बनाई। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव ये पुस्तक के लेखक कौन है, करण जौहर। हर साल एशिया के सभी नारियल उगाने वाले देशों के साथ साथ प्रशांत क्षेत्र में विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, 2 सितंबर को। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।